हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। ये छोटा वीडियो हमने एक कोर्स के अनाउंसमेंट के लिए बोला है। पीछे काफ़ी दिनों से बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि हमें एक मेंस स्पेसिफिक कोर्स ही चाहिए। तो जैसे हमने सजेस्ट किया कि जो हमारा एडवांस वाला कोर्स चल रहा है या फिर जो हमारे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर हैं, बच्चे उससे भी देख सकते हैं। तो कुछ बच्चों का कंसर्न ये था कि अगर हम एडवांस वाले लेक्चर देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा पोर्शन या उनके टाइम का ऐसा पोर्शन होता है जो टोटली मेंस अलाइंड नहीं होता, या फिर ये वाला पोर्शन ढूंढने के लिए कि जो केवल मेंस के लिए हो वो ढूंढने में उनका अपना टाइम भी वेस्ट होता है। तो जो उनका एफर्ट है वो 100% उस चीज़ पर नहीं लग रहा कि मेंस में उनके मैक्सिमम मार्क्स कैसे आए। सो विद दीज काइंड ऑफ इंक्वायरीज हमने सोचा कि चलो एक केवल मेंस स्पेसिफिक बैच लॉन्च करते हैं विद ए स्पेशलिस्ट टीम, जो मेंस के लिए स्पेशलिस्ट टीम है। तो इसी के अनाउंसमेंट के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सो वी आर हैविंग एग्जॉस्टिक बैच फॉर जेई मेन 2021 एंड बैच का नाम जो है वो प्रबल है एंड दिस ऑफरिंग इज बाय टीम कॉम्पिटिशन। तो बैच का जो ड्यूरेशन है दैट विल बी 4th of December से लेके 20 मार्च के अराउंड 2021 तक। अब ये देखे वो टेंटेटिव डेट है, जैसे तुम्हें सबको पता है कि अभी एनटीए ने डेट अनाउंस नहीं किया है, तो वो जो डेट अनाउंस करेगा उसके हिसाब से वी विल बी फ्लेक्सिबल कि ये जो डेट है हम बच्चों के मैक्सिमम फायदे के लिए इनको भी हम चेंज कर लेंगे। प्लस जो बैच का कॉम्पोजिशन है, अगर मान लिया बैच में ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ तक कोर्स ख़त्म करके और अगर हमारे पास टाइम है तो हम प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। अगर बच्चे बोलते हैं कि हमें थ्योरी और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चाहिए एंड अगर हमारे पास विड्थ है टाइम का, मान लिया एनटीए वाले ने बोला कि मई में एग्ज़ाम होगा तो हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन पीरियड आ जाएगा, क्वेश्चन टाइम आ जाएगा, तो फिर हम उसको थ्योरी में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो ये मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट डेट नहीं है, दीज आर डायनामिक डिसीजंस और जो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास इतना टाइम होगा, इवन इफ अगर मान लिया जेई मेंस जनवरी वाला होगा तो जनवरी वाले को तो हम ऑफकोर्स टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एग्जॉस्टिवली पढ़ाया जाना है एंड वी वॉन्ट कि हर बच्चा अपनी पोटेंशियल के हिसाब से मैक्सिमम स्कोर करे, तो हम अप्रैल वाले को ही टारगेट करेंगे। और जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी का बात बोला वो इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है कि अप्रैल वाला भी थोड़ा आगे चला जाए, एक महीना या दो महीने आगे चला जाए। अगर वो आगे जाएगा तो हम ऑफ कोर्स इस बैच का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, तो वो वाला डिसीजन एनटीए का अनाउंसमेंट आने के बाद ही लिया जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने मॉडल बनाया है उसका इट इज समथिंग लाइक वी विल बी हैविंग 90 क्लासेस पर सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली अगेन और वन एंड हाफ आवर ईच। तो एक वीक में 6 क्लासेस होगा, डेली 1.5 घंटे का 3 क्लास होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और उसके बाद यूजुअली हम जो टेस्ट रखते हैं वो 3 वीक में एक रखते हैं जो हमारे बाकी के बैचेस रन हो रहा है, बट बिकॉज टाइम कम है प्रैक्टिस हमें ज़्यादा होना चाहिए तो इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन करके हमने मेन्स स्पेसिफिक, मतलब जो हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि बच्चे को किस तरीके से उसका स्कोर मैक्सिमाइज कर पाए, वो केवल उसी जगह एनर्जी लगाए ताकि उसका स्कोर मैक्सिमम आए। तो जो टेस्ट डिज़ाइन होगा और जो पिछले 1-2 साल में पैटर्न्स आए हैं डिफरेंट मेंस वाले टेस्ट के, उसके हिसाब से दीज टेस्ट विल बी डिज़ाइन। एंड 2 वीक में अभी एक टेस्ट लिया जाएगा, बिल्कुल जब लास्ट की तरफ आएगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफकोर्स बढ़ जाएगी, उस टाइम पे जस्ट मेन से पहले वी विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ टेस्ट, बट ऑन एंड एवरेज एक टेस्ट हम पर 2 वीक्स लेंगे। ये ठीक है, एवरी फोर्टनाइट यू विल बी हैविंग ए टेस्ट ताकि हमारा प्रॉपर प्रैक्टिस भी साथ के साथ चलता रहे और लास्ट में जाके पैनिक ना करें। डाउट सपोर्ट जैसा हमारे बाकी बैचेस में है, टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू डाउट पूछा जा सकता है, उसमें आप वर्बली भी पूछ सकते हो, मतलब टेक्स्ट मैसेज भी डाल सकते हो, पिक भी डाल सकते हो और वॉइस मैसेज से भी डाउट पूछ सकते हो, तो वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। एंड मटीरियल विल बी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि बहुत सारे लोग ना कि अपने एडवांस वाले मटीरियल को ही थोड़ा सा उसमें से क्वेश्चन कम करके दे देते हैं और उनका जो मटीरियल है वो मतलब फुल्ली रिसर्च नहीं होता। जो हमारा जो मटीरियल आएगा वो केवल मेंस स्पेसिफिक ही आएगा, हम तुमसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो और जिसका हमें फ़ायदा मेंस में ना मिल रहा हो। तो जो मटीरियल होगा वो पिन पॉइंटेड मटीरियल होगा, मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम 2 घंटे मेहनत करें एक क्वेश्चन को, मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हमें फुल फ़ायदा मेंस का ही मिलना चाहिए। कुछ बच्चे अच्छा ऐसे ही बोले थे, किसी भी रीज़न से उनकी प्रिपरेशन बहुत लेट चालू हुआ, वो बोले थे कि हमें एडवांस की ही करनी है बट अभी अपनी प्रिपरेशन को हम 2 पार्ट में तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, पहले तो बिकॉज उनका जो प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं है, तो पहले तो वो मेंस तक तो केवल मेंस पे फोकस करना चाहते हैं,
और अगर उसके बाद क्वालिफाई हो जाएंगे ये ठीक है होपफुली, देन उसके बाद दे विल फोकस ऑन एडवांस। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये अच्छा है, ठीक है। एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा मास्टरी तक करने से अच्छा है कि हम सभी चैप्टर को मेंस के लेवल तक पहले तैयार करें, ठीक है। एडवांस के प्रिपरेशन करने में अभी क्या दिक्कत होगा, ऑफकोर्स हमें टाइम ज़्यादा चाहिए पर चैप्टर, तो ऐसा हो सकता है कि हमने एडवांस का तैयारी अप्रैल तक करना किया तो 30 में से हो सकता है कि हमारे 20 चैप्टर ही कंप्लीट हो पाए। अब 20 चैप्टर में जिस लेवल तक हम मान लिया लेके गए उसका मे बी 60% लेवल से हमें मेंस पे काम चल जाता, तो वो जो हमने 40% टाइम इन्वेस्ट किया पर चैप्टर एडवांस की प्रिपरेशन के नाम पे, हम वो 40% कट करके कहाँ दे रहे हैं बाकी के जो 10 चैप्टर्स हैं। उससे क्या होगा कि हमारे मेंस में स्कोरिंग जो होगा, स्पैन जो होगा वो बढ़ जाएगा, हम सारे चैप्टर्स एक मिनिमम लेवल तक कवर कराने की कोशिश करेंगे इन द गिवन टाइम, और उसके बाद भी एडवांस आराम से दिया जा सकता है क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यू कैन बिल्ड योर एडवांस का प्रिपरेशन। तो जो मेंस और एडवांस के बीच में टाइम होगा उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ओनली। तो ऐसे बच्चे जो एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं बट अभी उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल हैफ हैजर्ड है या फिर बोलते हैं बिल्कुल बेसिक सी प्रिपरेशन है, तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस बैच कि पहले हम मेन्स का करें, वहां क्वालिफाई हों, उसके बाद एडवांस के प्रिपरेशन दें। तो इससे क्या होगा कि जो उनका इनपुट जाएगा राइट टाइम पे राइट चीज वो कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि अभी तो हम एडवांस की तैयारी करके बैठ जाएं, 30 में से 20 ही चैप्टर हो पाए तो ना मेंस में हमारा ढंग का रिजल्ट आए और ना फिर एडवांस में आए। तो इसलिए जो मटेरियल और शीट हम प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल मेंस स्पेसिफिक होगा। एज फार एज फीस इज कंसर्न दिस इज 24,000, बट अगर हम 4 दिसंबर जो बैच स्टार्टिंग डेट है 4 दिसंबर से पहले पहले इंक्लूडिंग 4 दिसंबर ये ठीक है रात के 12 बजे तक अगर हम फीस जमा कराते हैं तो 14,400 दैट इज 40% डिस्काउंट पे करा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बैच में एक बार रन करना चालू हुआ और कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो फीस विल बी 24,000। और अगर इसके बाद भी कोई इंक्वायरी है तो यू कैन कॉल दीज नंबर्स और या फिर इस वीडियो के नीचे यू कैन आस्क क्वेश्चन, विल ट्राई टू आंसर। और कोई स्पेसिफिक इंक्वायरी तो इनमें से किसी भी नंबर पर यू कैन कॉल। उसके बाद यू कैन ऑल्सो विजिट आर वेबसाइट दैट इज competition.com या फिर एंड्रॉयड ऐप भी हमारा कॉम्पिटिशन के नाम से ही है गूगल प्ले स्टोर पर, वो भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी मटेरियल ऑलरेडी है, मोस्ट ऑफ द यू ऑलरेडी यू विल बी हैविंग दैट ऐप। अच्छा ये जो जो ये जो बैच है ये जो कोर्स है दैट विल बी टेकन बाय जो हमारे मेन्स स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको भी मैं इस वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि जो हमारी टीम कॉम्पिटिशन में एडिशन हुआ है। तो मेंस स्पेशलिस्ट जो टीम है हमारी उसमें फिजिक्स में अविनाश सर हैं, अभी थोड़ी देर में दे विल बी कमिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। केमिस्ट्री में जगवीर सर पढ़ाएंगे पूरा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एंड मैथमेटिक्स में रजत सर एंड रोहिताश सर, दिस विल बी द टीम, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट है तो ऑफकोर्स इन नंबर्स पे भी तुम कॉल कर सकते हो या फिर कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मेन एम ये है कि अगर अभी तक भी किसी भी रीजन से किसी बच्चे ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो वी कैन से थैंक्स टू कोरोना, अभी भी थोड़ा सा शायद हमारे पास टाइम है, अभी भी हम अपने पाप धो सकते हैं। बस इसके बाद जो है वो जो पढ़ाई होगा ये तुम ये समझ सकते हो कि डेली डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास हो गए, 4.5 आवर की क्लास हो गया, उसके बाद होमवर्क भी दिया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा ये बैच ज्वाइन कराए तो वो फुल्ली मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि उसे एक दिन में 10-12 घंटे जरूर पढ़ना पड़ेगा, बट अगर वो 10-12 घंटे लगातार पढ़ रहा है ये ठीक है क्लास बीच में मिस नहीं कर रहा है तो देयर इज ए वेरी गुड चांस कि वो बहुत अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट फाइट दे पाए अप्रैल मेंस में या जब भी उसके बाद होगा। तो अब एक एक करके हमारे टीम मेंबर्स आएंगे, आई वुड से ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। आइए अविनाश सर। नमस्कार, एक ओमकार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है अविनाश सिंह और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ एट कॉम्पिटिशन। तो बच्चे ये कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रबल कोर्स। इसमें हम केवल और केवल क्या करेंगे, जो जेई मेंस रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं केवल हम उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और इसमें हम एडवांस टाइप के क्वेश्चन नहीं करते हुए केवल और केवल अपना जेई मेंस है, जो जेई मेन का जो पैटर्न है अगर आपने नोटिस किया हो तो ये 2019 के पहले तक बहुत सेम था, फिर अचानक से चेंज हुआ, तो अब काफ़ी दिनों तक 2-4-5 साल तक सेम पैटर्न चलने वाला है। उस पैटर्न को हमने बहुत ही थारो होकर एनालाइज किया है और उस बेस पर अपना जो स्टडी मटेरियल है प्लस जो अपना लेक्चर है उसको प्रिपेयर किया है, जिससे कि आप अपने जेईई मेन में
जितना मैक्सिमम हो अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना स्कोर कर पाएँ। तो जैसे कुछ टॉपिक हैं बच्चे, जैसे हमारा जो कि एडवांस में ना होके केवल और केवल मेंस में है, और कुछ और ऐसे टॉपिक हैं जो मेंस में तो हैं बट एडवांस में नहीं है। ठीक, इस टाइप से कुछ टॉपिक हैं, उसको भी हम थारो होकर डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे कि अगर आप फिजिक्स में बात करें तो अगर आप SHM में जाएं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें क्या होता है, कई बार जो होता है हमें पढ़ा दिया जाता है पूरा का पूरा SHM, बट डैम्पिंग जो लास्ट पार्ट है उसे छोड़ दिया जाता है। और मेंस का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखें तो उसमें डैम्पिंग का तो एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। और इसी तरीके से कुछ जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, POC यानी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, और हमारा EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, इनके क्वेश्चन हर साल जेई मेन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर हम ऐसे पढ़ेंगे कि इसके क्वेश्चन आपसे देखते हो जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रबल बैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और हमारा जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको पता ही है कि वो मेंस बेस्ड होगा, और हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखेंगे, और अपना थ्योरी तो सारा का सारा जो हमारा जेई मेन में आता है उसको तो कवर करेंगे। ठीक है बच्चों। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जगवीर सिंह। आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम MNIT जयपुर। प्रीवियसली आई वॉज विद रेजोनेंस। मैं तुम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो पोर्शन है, सबको समझ में आता है कि केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, सारी चीज़ें जेई मेंस की जर्नी में हम पढ़ेंगे टीम कॉम्पिटिशन के साथ में। और स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल जीरो लेवल, चाहे हमारा कुछ भी लेवल है आज की डेट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ से लेके जितना भी जेई मेंस के लिए रिक्वायर्ड होगा सारा का सारा बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, कि सारी थ्योरी हमारी कवर होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछे गए, जिस पैटर्न पे चीज़ें पूछी जा रही हैं हमेशा से, एक पर्टिकुलर पैटर्न जो फॉलो कर रहे हैं वो, कि किन किन टॉपिक्स पे ध्यान दिया जा रहा है, हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ पर्टिकुलर जो पोर्शन है हम उसको इग्नोर करें, नहीं, हम जो भी क्वेश्चन, चाहे पुराने टाइम पे जैसे जेई मेंस होता था, AIEEE होता था उससे पहले, ठीक है, तो उसके भी जिस तरीके के पैटर्न पूछे गए थे, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमेशा से, उन सबको हम कवर करेंगे। और जो हमारी सीट होगी उसका भी ओरिएंटेशन यही रहेगा क्या, कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हारी मैक्सिमम हो, जिसमें सारे के सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर जेई मेंस के जो क्वेश्चन हैं वो रहेंगे, ठीक है, जिससे तुम्हें अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो तुम्हारी सीट में चैप्टर, जैसे ही तुम हम थ्योरी कवर करोगे, लेक्चर कवर करोगे, उसके साथ में जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो तुम साथ में ही उन्हें कवर कर पाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, सेल्फ रोहिता सोनी। मैंने अपनी BTEC बेटा जी NIT कैलिकट केरला से कंप्लीट किया, और उसके बाद में फिर जी ज्वाइन किया, वहाँ पे काफ़ी साल पढ़ाया और काफ़ी अच्छी अच्छी रैंक्स बच्चों ने निकाली बेटा जी। ये जो प्रबल बैच है वो मेंस टाइप का जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, जो 4th December से बेटा जी स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम मैथ्स के अंदर मेंस लेवल के जो क्वेश्चन है और जो थ्योरी पार्ट्स है, मतलब एकदम बेसिक से लेके अप टू मेंस लेवल या उससे भी थोड़ा ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे बेटा जी। अब इसमें एक पॉइंट आपको बेटा जी ये भी ध्यान रखना है ना, कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ओनली मेंस के अंदर ही आते हैं। जैसे अगर अपन मेंस के अंदर बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, सेट्स एंड रिलेशन हो गया। अब ये ऐसे टॉपिक्स है कि कुछ कुछ बच्चे तो इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, एक बार भी नहीं पढ़ते। लेकिन अब देखो, अपन को तो करना है क्या है, मेंस के अंदर मार्क्स लगे ना, कि जो कैसे भी आए, है ना। अब हर क्वेश्चन से, ये जो हर टॉपिक आपका, इनसे एक एक क्वेश्चन हर बार आता है, है ना। तो इन टॉपिक को अच्छे से करेंगे, और जो हमारे क्वेश्चन पेपर डिजाइंड किए गए हैं, है ना, हम लोगों क्या है कि पिछले 10 साल का एनालिसिस किया है, कि पिछले 10 साल के पेपर्स किस टाइप के बन के आ रहे हैं, है ना। उन सबको माइंड में रखते हुए आपके जो टेस्ट पेपर डिजाइन किए गए हैं वो भी मेंस लेवल में, जो पिछले साल का एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग बेटा जी डिजाइन किया गया है। ऑल द बेस्ट, बहुत मजा आएगा बेटा जी, मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत जैन है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन NIT राउरकेला से कंप्लीट करी है, उड़ीसा से, और अभी लास्ट 3 सालों से मैं रेजोनेंस के साथ जुड़ा हुआ था, है ना। अभी करेंटली मैं आपके साथ यहाँ पे कंपटीशन में हूँ, आपकी प्रिपरेशन में आपका साथ दूंगा, जिसमें अगर अपन देखें यहाँ पे हमने जेई मेंस के लिए पर्टिकुलरली एक मेंस के लिए बैच स्टार्ट किया है प्रबल, जब तक आपने सारी चीज़ उसके बारे में जान ली होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा मेंस के बारे में अगर बताऊँ तो उसमें अगर अपन देखें, जैसे कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों की ये हमेशा क्वेरी रहती है कि यार मुझे इस चैप्टर में कितने तक जाना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है।
तो उस चीज़ों के लिए अगर अपन देखें तो भटकता रहता है दर दर कि भाई इतना पढ़ू इतना छोड़ू वगैरह। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रिसाइसली सारी चीज़ों को अपन उतना ही लिमिट तक बताएंगे जितना जेई मेंस के लिए ज़रूरी है, जिससे आपका टाइम सेव होगा, जिसको आप अपने मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लगा सकते हो जैसा कि जेई मेन में अब तक पूछा जा रहा है। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें पैटर्न पे सारा स्टडी मटेरियल होगा, उसी पैटर्न पे सारे टेस्ट पेपर्स बनाए जाएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी डाला जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ चलेंगी हमारी प्रिपरेशन के दौरान, है ना। तो थैंक यू, है ना, बेस्ट विशेज़।